But Hochschule Hof was providing MBA degree, so I choose that only. So if somebody have mechanical knowledge, mechanical experience with related to some digital transformation, digital technologies, that would be a plus point for him. तो यार ये अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो, अगर आप बैचलर्स पढ़ रहे हो, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ करंट स्टूडेंट्स के साथ बैठा हूँ, ये Hochschule Hof में पढ़ाई कर रहे हैं ऑपरेशंस एक्सीलेंस, मास्टर्स इन ऑपरेशंस एक्सीलेंस, और इन सबका बैकग्राउंड मैकेनिकल रहा है। मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। व्हाई डोंट वी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन दिस वे एंड वी विल गो ऑल द वे देयर। सो हेलो गाइस, माय नेम इज धनंजय शर्मा एंड आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली। आई हैव डन माय बैचलर्स इन मैकेनिकल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली। आई हैव रिसीव्ड 8.6 CGPA। हेलो गाइस, मेरा नाम कृष्णा सोनावने है, मैं मुंबई से हूँ। मैंने अपनी बैचलर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करी है मुंबई यूनिवर्सिटी से एंड मुझे 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। मेरा ग्रेड 7 CGPA ओवरऑल। माय नेम इज वेदांत कर्णिक दड़े, आई डिड माय बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी। आई एम बेसिकली फ्रॉम महाराष्ट्र। आई सिक्योर्ड 8.7 CGPA इन माय बीटेक। आफ्टर दैट आई वर्क इन मैन्युफैक्चरिंग एंड वर्कशॉप फ्लोर एज अ ट्रेनी इंजीनियर। सो हेलो गाइस, माय नेम इज प्रियांशु, आई एम फ्रॉम नासिक महाराष्ट्र। आई हैव डन माय बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन नासिक। आई हैव एन 8.5 CGPA। आई हैव डन माय मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड आफ्टर दैट आई डिड अ 1 year वर्क एक्स। आई जस्ट ग्रेजुएटेड इन 2022 एंड देन 1 year वर्क एक्स इन एन ईवी स्टार्टअप इन नासिक इटसेल्फ एंड इन देयर आई हैड सम एक्सपीरियंस अबाउट मैनेजमेंट। सो आई जस्ट एक्सप्लोर्ड दिस विद माय फाउंडर दिस कोर्स एंड देन आई सिलेक्टेड दिस वन। हेलो एवरीवन, मायसेल्फ बालकृष्णा, आई डिड माय बैचलर्स इन मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम आईपी यूनिवर्सिटी रिसेंटली इन 2022 ओनली। बिफोर दैट आई हैव डन माय डिप्लोमा दैट इज इन टूल एंड डाई मेकिंग एंड देयर आफ्टर आई डिड 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। आई हैव जस्ट आफ्टर माय ग्रेजुएशन आई हैव वर्क्ड विद 2 different कंपनीज, दैट्स वन इज स्काई एयर एंड अनदर इज PVR वेयर आई डिड माय लास्ट जॉब एंड आफ्टर दैट आई जस्ट स्टार्टेड माय मास्टर्स MBA इन ऑपरेशनल एक्सीलेंस फ्रॉम Hochschule Hof इन जर्मनी। As of mine, I have experience as well as interest in supply chain and procurement, and this course is majorly focused upon that. Apart from this, there are another 2 or 3 universities more in Germany which are providing the same. But the thing is that one of these universities is for MSc, not for MBA, and I am looking for any MBA course. And apart from this, the unique part of this course is this: it has a 1 year of internship period, in which 6 months is for mandatory and 6 months you can do with thesis. तुम लोगों के क्या reasons हैं यहाँ पढ़ने के? It has a practical internship and all the things that we need they just teach you in the second semester till second semester, so it is easier to apply for a practical internship. That's why paying the 3000 just because they are justifying the course. And you're paying 3300 for each semester. Do you have any other answer? Maine ek cheez notice kari hai, at least jitne TU wagara mein bhi maine TU Berlin mein apply kiya tha for global production engineering wagara, aur TU Berlin mein bhi management courses hai to wo paid hi hai. And again yahan ka benefit था कि प्रैक्टिकल इंटर्नशिप दे रहा था 1 साल एंड यहाँ पे हमको कंपलसरीली जर्मन लैंग्वेज करा के ले रहे विद एज अ सब्जेक्ट कि हम बाय द एंड ऑफ 2 years वी आर फ्लुएंट एंड इट्स इजी फॉर अस टू एक्वायर अ जॉब। मुझे सप्लाई चेन मैनेजमेंट और प्रोक्योरमेंट की फील्ड में इंटरेस्ट है और मुझे इसी फील्ड में जाके काम करना आगे। बेसिकली मतलब जर्मनी एक तो मैकेनिकल हब है, तो स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होते या फिर कोर मैकेनिक्स में जाने के लिए या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड, क्योंकि पूरे यूरोप का 2nd नंबर का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट जो है वो हैमबर्ग में होता है। अभी तक तो मैंने डिसाइड नहीं करा है कि मेरे इंटरेस्ट अलाइन करते हैं सप्लाई चेन, इंडस्ट्री 4.0 और इसे थोड़े मैनेजमेंट साइड पे ही, तो आई एम ओपन टू ऐसे 3-4 ऑप्शंस जहाँ पे भी I feel like making my career, I'll choose that. मुझे या तो quality management या फिर automobile sector में काम करना है। क्या करना है automobile? Design of machines या फिर integral part of the पूरी vehicle की, उसमें काम करना है। As well as quality management because जो defects या फिर जो products आते हैं, तो उसमें work करने के लिए as a quality manager work करना। My answer remains the same like Krishna, I haven't also decided what I'll be doing, but yeah, the options are still open. I've kept my options open. I either will be working as a mechanical engineer with this MBA course or like I will go into supply chain. Basically
बेसिकली आज के टाइम पे ई मोबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा बूम में है इस टाइम पे, एंड जर्मनी इज ऑल्सो वर्किंग ऑन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी फॉर कार्स एंड ऑल मोबिलिटी सेक्टर. स्टूडेंट कैन गो आइदर इन टू दैट कोर मैकेनिक फील्ड रिलेटेड टू ई मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, एंड द थर्ड वन इज लाइक सप्लाई चेन मैनेजमेंट. अभी हम लोग रिसेंटली ना यूनिवर्सिटी हमको जॉब फेयर में लिखी गई थी, हमने देखा कि कोर मैकेनिकल जैसे प्रोडक्शन लाइन हो या फिर प्रोसेसेस हो उसमें तो ही एज वेल एज मैनेजमेंट स्कोप है काफी, एंड एज ही सेड कि ई मोबिलिटी काफी डेवलप हो रहा है और वो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम पढ़ भी रहे, तो ये सारे ब्रांचेस में बहुत अपॉर्चुनिटीज है. एज वी नो कि इंडस्ट्री 4.0 सब्जेक्ट है जो कि हम पढ़ भी रहे हैं यूनिवर्सिटी में, एंड व्हिच इज क्वाइट रिलेवेंट टू द थिंग्स आर हैपनिंग राइट नाउ इन इंडस्ट्री. सेम थिंग इज लाइक दैट कि मैकेनिकल तो ग्रो हो ही रहा है, बट मैकेनिकल के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल जो आपका आईटी सेक्टर है वो भी ग्रो हो रहा है. सो इफ समबडी हैव मैकेनिकल नॉलेज, मैकेनिकल एक्सपीरियंस विद रिलेटेड टू सम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजीज, दैट वुड बी अ प्लस पॉइंट फॉर हिम. For Germany, the first thing is German language. B1 is sufficient for the daily life, not for the core capabilities working in Germany. So B1 is more sufficient for that. After that, in terms of tools ho gaya, certifications ho gaya, aisa kuch kare to hamara profile thoda aur bhari bharkam dikhe employer ke samne. First is SAP. Kaun sa ERP model bol rahe ho tum? ERP model mein SAP aapke modules hain. Isme agar aap supply chain mein jana hai to MA module. If you are going for production or maybe core technological things, so usme aapka PP module hai, production module jo hai, and iske अलावा आपका इफ आर गोइंग फॉर स्पेसिफिकली वेयर हाउस मैनेजमेंट, वेयर हाउस मैनेजमेंट मॉड्यूल, एनी मॉड्यूल विच रिलेवेंट टू योर फील्ड वी कैन से. लाइक ऐसा नहीं है कि जिसने वेयर हाउस मॉड्यूल में काम किया वो पीपी में काम नहीं कर सकता, वो सब सिमिलर है. क्वाइट बेसिक आइडिया है कि हाउ SAP वर्क्स, दैट्स द थिंग. अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू आर हैव सम कोर कॉम्पिटेंसीज अबाउट MATLAB, दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर यू, और मे बी डिजाइन रीडिंग वी कैन से, CAD रीडिंग, CAD ड्रॉइंग्स, दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर मैकेनिकल गाइड. लाइक IT कोर्सेज, लाइक यू हैव अ ग्रेट नॉलेज ऑफ MS ऑफिस लाइक एक्सेल, एक्सेस एंड ऑल. And plus, there is a Power BI tool for data visualization. Yeah. It will be a plus point for you. So, इनमें से अभी जो तुमने बताया है, इनमें से already तुम्हें आते हैं ये सब या तुम ये suggest करो कि आप सीख के आओ? SAP मेरे को आता है, because मैंने उसमें काम भी किया है. Okay. दो modules में, PS module project. And apart from this, we learned here Tableau. Industry 4.0 के अंदर ही हमारा Tableau है. Okay, okay. So, okay. We have learned Tableau here. सही. Apart from this, we are here to learn Power BI. Hmm. We are planning for this because industry में इसकी requirement भी है, and it's a addition to us. So that we could get more knowledge into technological things. Okay. Basically, I have applied to 4 to 5 universities. Hochschule Hof, MBA in Operational Excellence, Hochschule Harz, Technology and Innovation Management, Schweinfurt, MSc in Business and Engineering, TU Ingolstadt, Engineering and Management. But Hochschule Hof was providing MBA degree, so I choose that only. मैंने भी 2 या 3 universities में apply किया, TU Berlin, HTW Berlin, Hochschule Hof और Harz किया था मैंने भी. मेरा पहला preference apply करने के बाद भी Hochschule ही था, because of the course structure and what it was giving to us. फिर मुझे HTW से भी इंटेक मिला था और यहाँ से भी मिला था, बट आई चोज दिस बिकॉज आई वॉज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स द कोर स्ट्रक्चर. आई अप्लाइड इन अराउंड 6-7 यूनिवर्सिटीज, TU बर्लिन, Hochschule Harz, Hochschule Hof, TH Rosenheim, बट देन आई चोज Hochschule Hof बिकॉज दिस यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स ड्यूअल डिग्री MBA एंड इंजीनियरिंग, एंड लुकिंग एट द कोर स्ट्रक्चर आई चोज Hochschule Hof. मैंने अप्लाई किया था THI में FAU वन मोर इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आई गेस, एंड दिस वन आई सिलेक्टेड दिस वन बिकॉज ऑफ द सेम प्रैक्टिकल इंटर्नशिप एंड द B1 course, so that you are ready for the job market. My interest was more into supply chain procurement, and the subjects they are teaching right now in Hochschule Hof is quite up to the market requirement. So therefore, I applied only in Hochschule Hof with in 3 courses: MBA Operational Excellence, MBA General Management, MBA D&I, that is Digitalization and Innovation. I got selected in all the 3 courses, but I opted for Operational Excellence just because it is more into supply chain and procurement. Yeah.